बहुत प्यारी है, लेकिन फिर से दोबारा इसने एक आशी कलर का जो है लहंगा पहना था और वो भी बहुत प्यारा लहंगा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो वो लहंगा पहनकर फिर ये आई, जाहिर सी बात है इसने नाचना था, डोल्ड मक्के वाला वो मौसम था, तो तब ये आकर नाची, इसने डांस किया। जबकि अलबत्ता ये बात जो है मुनासिब सी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हिंदू वेडिंग है तो यहाँ पर नाच गाना हर तरह के सिंगर्स बुलाए गए और उनको करोड़ों रुपया दिया गया। रेहाना जो फटे कपड़े पहनकर आ गई थी इसकी प्री वेडिंग पर। और अब ये देखिए जी, ईशा अंबानी जो है वो अपने भाई के साथ है, और जो नीता अंबानी है उसने किस तरह से वो जो उसने पकड़ा हुआ है पता नहीं क्या, आई थिंक वो पर्स बैग वगैरह तो है नहीं, ना ही कोई ब्रोच वगैरह, पता नहीं उसने क्या पकड़ा, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। उसके अंदर एक छोटी सी लालटेन है वो भी जल रही है। अब इनकी ये कोई रस्म चल रही है जो कि दूल्हा जब जाता है बारात लेकर तो फिर उसके सर पर इस तरह से पगड़ी बांधी जाती है, तो वो रेड कलर की पगड़ी है जो अनंत अंबानी के सर पर पहनाई गई है, जो कि राधिका मर्चेंट जो है उनके घर वालों की तरफ से ससुरालियों को पहनाई गई है, जो कि बारात आप सबके फाइनली मोस्ट इम्पोर्टेंट। चले जी गाइस, आज जो अंबानी की वेडिंग है ना, इस पर शुभाशीर्वाद दुनिया की, आपके ब्लेसिंग, आपकी शुभकामना। आपने भी देखा होगा जब हमारे राधिका और अनंत अंबानी के साथ रह भी, जैसे ये अपनी नई जिंदगी शुरू करने जाते हैं, अपना नया परिवार बनाने जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के ब्लेसिंग्स के साथ, आप सब की गुड विशेस और लॉन्ग विशेस के साथ उनका जीवन सुखमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, और अनंत अंबानी जो है उसे दुआ कर रहे हैं। और हमारा सबसे प्यारा पृथ्वी भी यहाँ है, पृथ्वी आ जाओ। सबसे जो प्यारा बोलता है उसको बुलाता है और वो गिर जाता है, वो देखिए क्या कह रहा है। जय श्री कृष्णा, और बस यही आशीर्वाद देना। हेलो एवरीबॉडी, हेलो, ये तो बहुत ही प्यारी, बहुत ज्यादा प्यारी राधिका मर्चेंट, खुश किया। आप लोग ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, आपके कारण हम हैं, आपके बिना ये सब बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। इतना प्यारा ये बोलते हैं ना, कल मेरा प्यारी है, मोस्ट सीईओ इधर आया था और मैंने उनको बोला कि उनकी वजह से ही मैं ये शादी पे ध्यान दे सकती थी, अगर आप सब लोग नहीं होते तो अनंत और मैं एक दिन भी हमारी शादी एंजॉय नहीं कर सकते थे। तो मुझे मीडिया के बहुत भाई बंधु यहाँ मौजूद हैं, इनका भी मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। और आपके बिना हमारा परिवार कुछ नहीं है, आप सबके कारण ही हमारा परिवार एकजुट है, आप सब हमारे परिवार के एक हिस्सा जैसे ही है। और यहाँ आप आज हमें, मुझे और राधिका को बस बहुत सारी आशीर्वाद देकर जाना, मैं आपसे खाली आशीर्वाद लेने मांगा हूँ, और बस यही आशीर्वाद देना, यही कह रहा है कि सारे मेहमान जब जाएंगे परिवार भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े, आप सबसे यही दुआ करें कि अल्लाह हमको हमेशा खुश रखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, गणपति बाप्पा। और अपना भी देवता छोटा अनंत, नीचे हमारे घर की बेटी आकाश और श्लोका, इनकी जो बड़ी बहू है और बड़ा बेटा ईशा, ये ईशा का नाम हमारा बेटी का एक ही दामाद है, आनंद की दामाद है मेरी, हमारी बड़ी बहू श्लोका, बड़ी बहू श्लोका, माशाल्लाह इतनी प्यारी इनोसेंट है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ट्रोल किया वीडियो में, आकाश गुफ्तगू करेंगे, आकाश ये बहुत इनोसेंट है, राधिका की बहन अंजलि एंड ब्रदर इन लॉ अमर की बहन आदि, मेरा छोटा आदि, और हमारा सबसे प्यारा पृथ्वी भी यहाँ है, पृथ्वी आ जाओ। पृथ्वी नहीं, जय श्री कृष्णा, थैंक यू अगेन एवरीवन।
एंड ऑल दैट वी नीड आर योर ब्लेसिंग्स फॉर आवर डियरेस्ट अनंत एंड राधिका एज दे एम्बार्क ऑन द न्यू जर्नी टुगेदर. थैंक यू फ्रेंड्स एंड फैमिली. राइट हियर He's A.R. Rahman's son and I've seen him since a little boy. So let's give him a big round of applause. And once again, Saira never, she's actually invisible. She's come here, made a present felt and has been here post midnight. Let's give her also a round of applause. And once again, to the living legend A.R. Rahman. He makes India proud and the entire orchestra here. Can we give the loudest round applause to him? I think in this koi bhi mehmaan naraaz hoga hamari shaadi mein, to kabhi koi bhi naraaz ho jata hai, kabhi koi. Isne itni adab se har ek ko salaam kiya, jhuk ke ग्रेट किया है, हर एक के साथ ये बैठा है. आप ब्राइडल और ग्रूम की वीडियो आपके साथ फाइनली शेयर की जा रही है. अब ये राधिका मर्चेंट ने सबसे पहले ये ड्रेस तब पहनी थी, ये वाली व्हाइट कलर की साड़ी क्रीम कलर की, जब उसकी बारात की एंट्री हुई थी. ठीक है, तब बारात को वेलकम करने के लिए उसने ये वाला जोड़ा पहना था. उसके साथ ही अंजलि मर्चेंट उसकी बड़ी बहन है और कुछ इस तरीके से उसको लेकर आया जा रहा था. बहुत ही महारानी वाली ये वेडिंग थी. बहुत ही प्यारे तरीके से राधिका मर्चेंट के ऊपर दुपट्टा इस तरह ओढ़ा गया था और दुपट्टे के साये के तले उनको लेकर आया जा रहा. और जबकि अगर मुसलमानों की वेडिंग देखी जाए ना, मुसलमान कुरान पाक को ऊपर रख के लाते हैं, जबकि ये रस्म जो है फजूल सी रस्म है. मुसलमानों को इन तमाम रस्मों से दूर रहना चाहिए. अलबत्ता ये हिंदू लोग हैं, ये प्यारा लग रहा है दुपट्टा, ये दुनिया से ताल्लुक रख रही है, वरना इस बात की भी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है. तो चलिए ये देखिए किस तरह से लेकर जा रहे हैं उनको. ये राधिका बहुत ही ज्यादा प्यारी, इनोसेंट सी. मैं ये सोच रही थी ये लोग कितने इनोसेंट होते हैं. अब जो वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है, जो इसने रेड कलर का ये लहंगा पहना हुआ है, ये राधिका मर्चेंट ने पहना था जी अपनी रुख्सती के वक्त. ठीक है, रुख्सती के वक्त इन्होंने अलग लहंगा पहना था, जब बारात आई तब इन्होंने अलग लहंगा पहना था, और फिर इसके बाद जब राधिका की बारात आ गई, इसने सबको जो है मिल लिया, सबसे सलाम कर लिया, इनका फोटोशूट हो गया एक साड़ी में, तो फिर से दोबारा ये देखिए आप जो वीडियो शेयर की जा रही है, ये भी वीडियो बहुत प्यारी है, लेकिन फिर से दोबारा इसने एक आशी कलर का जो है लहंगा पहना था और वो भी बहुत प्यारा लहंगा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था. तो वो लहंगा पहनकर फिर ये आई, जाहिर सी बात है इसने नाचना था, डोल्ड मक्के वाला वो मौसम था, तो तब ये आकर नाची, इसने डांस किया. जबकि अलबत्ता ये बात जो है मुनासिब सी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हिंदू वेडिंग है तो यहाँ पर नाच गाना हर तरह के सिंगर्स बुलाए गए और उनको करोड़ों रुपया दिया गया. रेहाना जो फटे कपड़े पहनकर आ गई थी इसकी प्री वेडिंग पर. और अब ये देखिए जी, ईशा अंबानी जो है वो अपने भाई के साथ है, और जो नीता अंबानी है उसने किस तरह से वो जो उसने पकड़ा हुआ है पता नहीं क्या, आई थिंक वो पर्स बैग वगैरह तो है नहीं, ना ही कोई ब्रोच वगैरह, पता नहीं उसने क्या पकड़ा, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है. उसके अंदर एक छोटी सी लालटेन है, वो भी चल रही है. अब इनकी ये कोई रस्म चल रही है, जो कि दूल्हा जब जाता है बारात लेकर, तो फिर उसके सर पर इस तरह से पगड़ी बांधी जाती है. तो वो रेड कलर की पगड़ी है जो अनंत अंबानी के सर पर पहनाई गई है, जो कि राधिका मर्चेंट जो है उनके घर वालों की तरफ से ससुरालियों को पहनाई गई है, जो कि बाराती आए हैं बारातियों को पहनाई गई है. एक जो है आकाश को पहनाई है उन्होंने ये पगड़ी, और एक राधिका के हस्बैंड अनंत अंबानी को. और अब अनंत अंबानी इतना मोटा, लेकिन जब जी वो घोड़ी पर सवार हो चुका है, तो घोड़ी पर सवार होकर काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था. और साथ ही साथ में एक और बात भी बताते चले कि इतनी महंगी शादी हुई है, इतना करोड़ों का ये खर्चा किया गया, लेकिन सबसे एक बात जो अजीब बात है वो ये है कि फिर भी राधिका मर्चेंट ने अपनी बड़ी बहन अंजलि मर्चेंट की जो ज्वेलरी है वो की थी. उन्होंने अपनी शादी पर वो वाली ज्वेलरी पहनी. आई थिंक उन्होंने अदब में, प्यार में, होता है ना पीछे से अपनी, जिस तरह सास अपने कंगन जो है वो देती है अपने बहू को, खानदानी कंगन, इस तरह से कोई खानदानी इनकी ज्वेलरी थी वही उसने दी. अब जी साथ साथ में मीडिया के बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस वेडिंग में शामिल हुए हैं. दीपिका पादुकोण है जो अपने बेबी बम को लेकर फ्रंट कर रही है, आलिया भट्ट है, और ये देखिए जी साथ ही साथ में ये जिसने ये शादी की, रणबीर कपूर है,
अपने बेबी बम को लेकर बहुत ज्यादा सेफली चल रही थी दीपिका, और फिर साथ साथ में इसकी जो गॉसिप है ऐश्वर्या राय के साथ, उसने बहुत ज्यादा ट्रोल किया भी गया इनको, और बहुत ज्यादा प्यार भी दिया गया इनको कि इन दोनों के आपस में क्या गॉसिप चल रही थी, शादी और गॉसिप ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीपिका जो है वो अपने बेबी बम को लेकर फ्रंट करती रही, एहतियात से चलती रही। अलबत्ता पहले कुछ दिनों के फंक्शन में दीपिका जो है वो मीडिया के सामने नहीं आई, उसने छुप कर ही जो है वो एंट्री ली। अब जी आलिया और रणबीर की एंट्री हो रही है, इसने देखिए जी आशी कलर की प्योर साड़ी पहनी गई है, और इसके बारे में ये भी कहा गया कि इसने जो साड़ी है ये 60 ईयर्स ओल्ड है या फिर आई थिंक 12 साल पुरानी है। बस इसी तरह की मैंने कुछ न्यूज पढ़ी थी मीडिया के सामने। तो और जो बच्चन फैमिली की वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है, बच्चन फैमिली जो है ना ये सेपरेट आई है, ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ अलहदा से आई है, और मीडिया में ये कहा गया है कि जिस तरह आम हमारी फैमिलीज में लड़ाई झगड़े होते हैं उसी तरह इनकी फैमिली में भी लड़ाई झगड़ा होता है। देखिए जी ऐश्वर्या राय जो है वो अपने बेटी के साथ अलहदा से सेपरेटली इस शादी में शामिल हुई है, वो अपने ससुरालियों के साथ शामिल नहीं हुई, और ये कहा गया कि जिस तरह आम हम लोग की लड़ाइयां होती है उस तरह इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं इनकी भी लड़ाइयां होती है। और साथ साथ में आप वीडियो में देख सकते हैं आलिया भट्ट जो है उसकी मामा भी तशरीफ लाई है जी, आलिया भट्ट की अम्मा साहिबा, और उनकी साड़ी देखिए किस तरह से वो साड़ी पहनकर आई है, और अब ये मोस्ट फेवरेट इंस्टाग्राम का ये कपल है। अब मुझे इसका नाम जनेलिया, आई थिंक जनेलिया, और साथ में पता नहीं इसके हस्बैंड का नाम क्या है, तो लेकिन ये मोस्ट फेवरेट कपल है इंस्टाग्राम का, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा सराहा जाता है, इनकी रील्स बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, और आपस में इन दोनों का बहुत ज्यादा प्यार है। अब जी भाई जान सलमान खान की भी इस फंक्शन में एंट्री, साथ साथ में आप रणबीर दीपिका पादुकोण उन्होंने बड़े बड़े जो स्टार्स हैं सेलिब्रिटीज हैं इनको इस वेडिंग में सपोर्ट किया गया है, ये कदम बा कदम आगे जुड़ कर आए हैं। और अब जी जो वीडियो शेयर की जा रही है ना वो श्लोका की, श्लोका मेहता को देखे किस तरह से बड़े अदब के साथ मीडिया वालों को सलाम करके फिर ये आगे बढ़ी है। ईशा अंबानी की एंट्री कुछ इस तरह से हुई, अर्जुन भी आप देख रहे हैं, और अनन्या पांडे को आप देख रहे हैं किस तरह से वो डांस कर रही है। अलबत्ता जो अनन्या पांडे है वो जब भी इस वेडिंग में जब भी उसने अपनी वीडियो को शेयर किया है, जब भी वो स्पोर्ट हुई है तो इसी तरह के शॉर्ट्स जो है उसने ब्लाउज पहना होता है, नीचे लहंगा पहना होता है, जबकि ये जरा भी अच्छी बात नहीं। अलबत्ता दूसरी सेलिब्रिटीज जो है वो फिर भी अपने आप को कवर करके आई है, उन्होंने साड़ी वगैरह पहनी है। ये देखिए जी जिस तरह अब देखा जा रहा है कैटरीना कैफ को, और कैटरीना कैफ के बारे में एक जो हाथ खबर है वो ये भी है, फैंस का कहना है कि वो भी प्रेग्नेंट है, और उनका बेबी बम भी शो हो रहा था लाइट सा, लेकिन शायद ये बात झूठी ही साबित हो, क्योंकि अगर ये इतने बड़े सेलिब्रिटीज हों और इनके ये प्रेग्नेंट हों और ये फिर शो आप ना करें ऐसे कैसे हो सकता है। और ये देखिए जी यहाँ पर ये वीडियो शेयर की जा रही है, जब ये एंटर हुए अंबानी फैमिली जब एंटर हुई थी ना तो झुक कर सलाम की गई, इनको वेलकम किया गया, और साथ साथ में बाबा रेमडी जो है ये भी इस शो में तशरीफ ला चुका है, शो ही कहूंगी मैं इसको। अब जी अर्जुन खुसरा आ चुका है, ठीक है, इसको खुसरा भी कहा जाता है बॉलीवुड का, तो क्योंकि ये जनाना लिबास पहनकर आ जाता है, आज भी आप इसको देख सकते हैं किस तरह के ड्रेस पहनकर आया है। तो अर्जुन जो है वो आ चुका है, और फिर से वीडियो जो स्क्रॉल कर रही है वो है जी रणबीर आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण की, और रणबीर देखिए जी किस तरह से स्टेज पर डांस कर रहा है, और साथ ही साथ में आप नीचे अंबानी फैमिली की वीडियो भी वॉच करिए किस तरह से अंबानी फैमिली जो है वो अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करिए, इनके इतने ज्यादा फंक्शंस हुए हैं कि अल्लाह ही माफ करे हमें याद नहीं, इंसान देखता देखता थक गया है इनके फंक्शंस एक के बाद एक। पहले तो प्री वेडिंग ही नहीं इनकी खत्म हो रही थी, तकरीबन एक 2-3 साल से इनकी प्री वेडिंग चल रही है, हर महीने प्री वेडिंग फंक्शन। फिर इनके कुछ बहुत ही अहम फंक्शन हुए हैं जिसमें सारे सेलिब्रिटीज आए हैं, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, तमाम तर मेहमान जो है सेलिब्रिटीज के बड़े बड़े जो नाम है बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के वो इनके शो में जो है शो ही कह रही हूँ इनकी शादी में शामिल है। सबसे बात इनकी वीडियो देख के ऐसे फील होता है जैसे स्पेशल कोई शो जो है वो अरेंज किया गया हो इनके लिए, तो इनके स्टेजेस इतने आलीशान है ना देखकर इंसान हैरान हो जाए। तो मुझे तो एक आयत याद आ जाती है, वो मल हयात दुनिया इल्ला लाइब मलहून, बेशक ये जो दुनिया है ये जो दुनिया का घर है ये जो दुनिया आप देख रहे हैं ये खेल तमाशे का घर है। बाबा रेमडी जो है वो भी आ चुका है,
तो मीडिया वालों ने उससे रिक्वेस्ट की कि हमें अंदर बुला लीजिए किसी तरह, लेकिन अब बाबा रेमेडी कैसे बुलाएं। और साथ ही साथ में श्लोका और उसकी मदर की वीडियो शेयर की जा रही है। श्लोका की मदर की आप तस्वीर देख सकते हैं, श्लोका खूब हु अपनी माँ की जैसी ही लग रही है। अगर इस सारी वेडिंग में किसी को ट्रोल किया गया ना, जिसको रख कर ट्रोल किया गया, वो है जी श्लोका मैम। श्लोका मैम को आप देख सकते हैं कि फीचर्स थोड़े ज्यादा प्यारी, इतनी प्रीटी नहीं है जितनी राधिका मर्चेंट है। तो इनको फैंस ने इतना ज्यादा ट्रोल किया, यहां तक फैंस ने कहा कि इनके करोड़ों की वेडिंग जो इन्होंने इतना पैसा सर्व किया है, लाखों अरबों खरबों करोड़ों खर्च करने का, अभी ये इनकी नेटवर्थ का 5.1, ये इनकी नेटवर्थ है 0.5 है अभी इनके पास, पता नहीं कितने करोड़ मौजूद है अभी। तो ये चिल्लर जिसे हम सिक्के कहते हैं ना, उन्होंने बोला कि ये सिक्के हैं अंबानी फैमिली के जो इन्होंने इस वेडिंग में खर्च किए हैं। अभी ये और भी बहुत ज्यादा अमीर हैं, अभी इन्होंने अपने नेटवर्क से अपने सरमाया से 5.5% जो है वो इन्होंने खर्च किया है। अभी ये बड़े अमीर हैं, आपको इस बारे में अंदाजा भी नहीं हो सकता कि कितने ज्यादा अमीर हैं। तो इनके इतने अमीर होने का क्या फायदा जब ये अपने बहू के फेस फीचर ही सही नहीं करवा सकते। अगर देखा जाए तो फैंस भी जो है वो हद ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी को कहना चाहिए। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने हर एक को बनाया है, तो मुसलमान जो है अगर कुरान पाक को देखा जाए तो कुरान में मुसलमान के जो मजहब है उसमें ये जरा भी जायज नहीं है कि आप किसी का मजाक उड़ाएं, आप किसी के फेस फीचर को लेकर उस पर तबसरा करें। बल्कि ये सारी चीजें अल्लाह सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, और आज का ये मॉडर्न दौर जो है ना, इंसानों को इस सोच से बाहर निकल आना चाहिए कि फुला काला है, फुला छोटा है, फुला बड़ा है। आज कल का इंसान जो है, बल्कि कल भी सारे इंसान ही कीमती हैं। अल्लाह ने कहा वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन लक़द खलक़ना लिंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया, इंसान बेहतरीन महलूक है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम कैसे भूलकर किसी को ट्रोल कर सकते हैं, किसी के फेस फीचर पर गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन चले ये दुनिया है, तो दुनिया में कुछ ना कुछ तो इंसानों ने कहना ही कहना है, कोई ना कोई बात तो अब इंसान करेंगे। लाखों रुपए खर्च कर दो, करोड़ों रुपए खर्च कर दो, मगर इस दुनिया में इंसान किसी को राजी कर सकता नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को राजी करें। नीचे जो आपके साथ वीडियो शेयर की जा रही है, ये उस वक्त की वीडियो है जब नीता मैम ने शादी की थी जी अपने बड़े बेटे की। और नीता को आप देख नहीं सकते हैं, नीता अंबानी जी, अब मैं इनको जी कह रही थी, जाहिर सी बात है इतनी अमीर तरीन खातून है, तो शायद अगली कभी वेडिंग करें अपने पोते की तो मुझे बुलाए, ले चलो हैर इसको छोड़े। तो आप देख सकते हैं अनंत अंबानी भी तब बहुत छोटे एज में लग रहे हैं, और नीता अंबानी जो है वो भी बहुत ज्यादा इस तरह से मतलब यंग नजर आ रही है इस वीडियो में। तो उस वक्त का ये कार्ड है जी, ठीक है, इनका कार्ड भी लाखों करोड़ों का कार्ड, जो इन्होंने इनविटेशन कार्ड भेजे है ना, वो भी लाखों करोड़ों के हैं। ये देखिए जी, इस तरह से इनकी ये शादी का कार्ड था, आकाश और श्लोका की शादी। जितनी शादी की धूम अभी नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट यानी अंबानी फैमिली के छोटे बेटे की शादी की दफा जितना मीडिया में धूम मची है, शायद तब हमने वो शादी तो अटेंड ही की ना, हमने सोशल मीडिया पर तब देखी उसकी धूम, लेकिन वो शादी भी बहुत धूमधाम से की गई थी, लाखों करोड़ों रुपए उस शादी पर भी खर्च किए गए थे। तो यहां पर देखिए जी, ईशा अंबानी जो है वो अपनी जो भाभी है उनको देखिए किस तरह से वेलकम कर रही है उनका, जब वो घर में आई तो किस तरह से उन्होंने उसने उसका वेलकम किया। और फिर भी श्लोका मैम का अदब देखिए, वो फिर भी नीचे झुककर अपनी ननंद ईशा अंबानी के पांव पकड़ती हैं। और यहाँ पर राधिका मर्चेंट जो है उसको देखा जा सकता है, वो बहुत ही छोटी सी बच्ची की तरह नजर आ रही है, और अनंत जो है वो भी एक छोटी सी बच्ची, छोटे से बच्चे की तरह नजर आ रहा है। तो तब से ये डिसाइडेड था, ठीक है, ये इसकी मौशूका थी अनंत और राधिका, ये आपस में इनकी लव मैरिज है। तो तब से ये डिसाइड था जी, अनंत की जो वाइफ है वो राधिका ही बनेगी। अब जी श्लोका मैम की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। श्लोका बहुत प्यारी है, और यहाँ पर आकाश को हम देखेंगे, इन दोनों की भी लव मैरिज थी, शुरू से एंगेज थे ये, आपस में शादी करने वाले थे। और अब देखिए जी आकाश किस तरह से मुंह बना रहा है, किस तरह से मुंह फुला रहा है, लेकिन जो इसकी बड़ी बहू, सॉरी मुझे उसका नाम भूल गया, श्लोका मैम जो है वो बहुत ही प्यारा सा मुस्कुरा देती है हल्का सा,
और हल्की सी मुस्कुराहट दे रही है, जबकि आकाश को अगर देखा जाए तो पूरा मुंह खोल खोल कर अपने पोज दे रहा है और बहुत ज्यादा खुशी का वो इजहार कर रहा है। और श्लोका मैम जो है वो अपनी शादी पर किस तरह से नजर आ रही थी, श्लोका जो है उसके फीचर्स जो है वो हूबहू अपनी माँ की तरह के हैं। और आप यहाँ पर भी श्लोका की वेडिंग पर भी सारे आप फंक्शन देख सकते हैं कि वो किस तरह से झुककर अपनी जो सास है वो उसको सलाम कर रही है। और ये वेडिंग जो है आपने धूमधाम से मची थी, और श्लोका की जो रिश्तेदार है वो सारे इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं किस किस के साथ उसने अपनी अम्मी के साथ अपनी बहन के साथ वो पिक्चर्स बनवाई। और ये मेहंदी की पिक्चर है, ये देखिए किस तरह से वो लग रही थी और उनके फंक्शंस किस तरह से थे। ईशा जो है तब बच्ची थी छोटी सी, और श्लोका मैम जो है उन्होंने लाइट सी येलो कलर की जो है वो साड़ी पहनी हुई है। और ये श्लोका के अम्मी और अब्बू हैं, श्लोका की माँ बहुत कमजोर वीक सी हैं। तो ये देखिए ये इनकी सारी फैमिली जो है, श्लोका मेहता इनका नाम है, तो ये मेहता फैमिली है, ठीक है। तो ये देखिए जब श्लोका की शादी हुई थी तो उन्होंने क्या किस तरह का लहंगा पहना था, आकाश अपने फंक्शंस पर किस तरह का दूल्हा लग रहा था। श्लोका राधिका से काफी ज्यादा मासूम है, श्लोका जो है बहुत ही इनोसेंट है। श्लोका ने अपनी शादी पर ये रेड कलर का लहंगा है वो पहना था। और अब मर्चेंट फैमिली की जो सिस्टर्स है, वुमेन्स है, वो उनकी वीडियो भी आप पिक्चर जो है आपके साथ अभी शेयर की गई है। और ये देखिए जी श्लोका मेहता को किस तरह से उन्होंने रस्में की थी, और नीता तब भी किस तरह से वारी जा रही है। और ये जी अब फाइनली वीडियो थी, ये जो पिक्चर्स हैं रिसेप्शन की पिक्चर है राधिका मर्चेंट की, उसने गोल्डन कलर की जो है वो साड़ी पहनी है, बहुत ही प्यारी रॉयल स्टाइल की ये साड़ी है, बिल्कुल वो एक क्वीन की तरह लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। इतनी इनोसेंट बच्ची है और ये अमीर है, ठीक है। इसका बाप जो है वो डायमंड का कारोबार करता है और ये अपने बाप के काम की ये डायरेक्टर है, ठीक है, बाप की फैक्ट्री में या उसको बिल्डिंग्स कह लें या कोई भी बिजनेस की ये डायरेक्टर है। और इसको हीरो में तोल दिया गया है, इसको डायमंड्स में तोल दिया गया है। यहां तक अगर देखा जाए तो इस शादी में मेहमान जो आए थे उनको दो दो करोड़ की घड़ियां गिफ्ट की है। एक डील्स पर तो मैंने पढ़ा था 3.25 करोड़ की वॉच जो है वो गिफ्ट की गई है, महंगे तरीन ब्रांड्स की वॉचेस जो है वो गिफ्ट की गई हैं। और ये जो इनकी राधिका मर्चेंट की लुक है ये भी बहुत ज्यादा प्यारी है, एक एक दिन में इन्होंने दो दो आउटफिट पहने और बहुत ही प्यारे प्यारे, ये हैंड पेंट इसका ये आउटफिट था, ये रिसेप्शन के दूसरे दिन इसने पहना था, ये भी बहुत प्यारा आउटफिट है, बहुत रंगीन है, रंगों से भरपूर है, बहुत प्यारा लग रहा है, इस पर पेंटिंग की गई है। और अब ऐश्वर्या राय की जो पिक्चर है वो शेयर की गई है, और इनको काफी ज्यादा फैंस ने ट्रोल किया कि इनको अपना डिजाइनर चेंज करना चाहिए, ये किस तरह का डिजाइनर इनको कपड़े दे रहा है, ऐसे जैसे कोई दीनी फंक्शन हो या फिर ये सेम फंक्शन वाले कपड़े पहनकर आ जाती है, एक फंक्शन में रेड कपड़े पहनकर आ गई सिंपल से और दूसरे फंक्शन में इस तरह के कोई पेंडू टाइप के कपड़े पहनकर आ गई। राधिका मर्चेंट की ये वाली लुक्स भी बहुत ज्यादा प्यारी है, साथ साथ में उन्होंने जो लहंगा पहना हुआ है जिसमें वो घूम रही है, अंजलि मर्चेंट की जो वीडियो है वो भी शेयर की जा रही है जिसके साथ वो खेलते हुए जो वीडियो शेयर कर रही है डांस करते हुए। नीता अंबानी ने जी, नीता अंबानी की जो बेटी है ईशा अंबानी, ठीक है, इसने प्योर डायमंड का नेकलेस पहना था, इतना बड़ा नेकलेस, ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और साथ साथ में इसने ये छोटी छोटी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी, बहुत प्यारी डिसेंट एलिगेंट इसकी लुक लगी, यार डिसेंट एलिगेंट क्यों ना लगे, डायमंड्स तो इनको पहनाए गए हैं, लाखों अरबों खरबों का तो इन्होंने खर्चे किए हैं, फिर भी प्रीटी नहीं लगना था इनको तो फिर कब लगना था, डायमंड्स ने इनको तोल दिया गया। लेकिन जैसा अल्लाह ने जैसा कुदरत ने बनाया इंसान वैसा ही रहता है, तो इंसान की नेचर अच्छी होनी चाहिए। इस फैमिली की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि ये हर एक को झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। और इस शादी में जो है शाहरुख खान को अगर देखा जाए ना तो वो बावला भी हर एक को झुक झुक कर सलाम कर रहा था, झुक झुक कर आगे जा रहा था। अगर शाहरुख खान की बात की जाए तो वो भाईजान क्यों झुक रहे थे, जबकि इस्लाम में तो झुकना जायज ही नहीं है, इस्लाम में झुककर सिर्फ रुकू किया जाता है तो अल्लाह की जात को किया जाता है। लेकिन शाहरुख खान अब जो है वो बदल चुका है, फिल्मों की दुनिया में जब से गया है अब दीन उसको कौन समझाए, दीन की तो उसको अब पता भी नहीं होगा कि दीन क्या चीज होती है। लेकिन वो झुक रहा था, झुककर हर एक को सलाम करना ये इस्लाम में जायज नहीं है, झुका जा सकता है तो अल्लाह की जात के आगे झुका जा सकता है। अब जी ये देखिए रेड कलर का लहंगा राधिका मर्चेंट ने जो पहना था अपनी रुख्सती के वक्त, ये मुकेश अंबानी की बहू ने जो लहंगा पहना था ये इनका एक बहुत बड़ा डिजाइनर है
उस डिजाइनर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सारी जो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्ट्रेसेस है ना, वो उसी से जो है ना अपने ड्रेसेस डिजाइन करवाती हैं। तो उसका ये डिजाइन किया हुआ ड्रेस था, बहुत ही उसने प्यारा बनाया था, और वो कोई एमी चैनिंग का डिजाइनर नहीं है, वो बड़ा महंगा तरीन डिजाइनर है। तो उसने ये ड्रेस बनाया था, इसके कलर्स बहुत प्यारे थे, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था, और राधिका तो है ही प्यारी, उसको ये बहुत प्यारा लग रहा था। उस दिन के वक्त फाइनली उसने रेड कलर का टच जो है वो दिया है अपनी शादी में, प्योर रेड उन्होंने नहीं पहना है। जबकि श्लोका को अगर देखा जाए, श्लोका मेहता ने प्योर रेड कलर का पहना हुआ था अपनी शादी पर लहंगा, तो इन्होंने प्योर रेड नहीं पहना। इन्होंने अंदर स्किन और ये येलो येलो जो कलर आ रहा है, गोल्डन गोल्डन वो आ रहा है, बहुत प्यारा इस कॉम्बिनेशन था इस लहंगे का। जाहिर सी बात है ये भी हीरे जवाहरात जोड़कर बनाया गया था, तो प्यारा क्यों ना होता। और जो राधिका मर्चेंट ने ज्वेलरी पहनी हुई है, ठीक है, इन्होंने जो सेट पहना हुआ है, जो इयररिंग्स पहने हुए हैं, ये इयररिंग्स और ये वाला डायमंड का सेट जो है, इनके बाप भी डायमंड का कारोबार करते हैं, तो ये वाला डायमंड का जो सेट है इनकी बड़ी बहन अंजलि मर्चेंट ने पहना था, तो इसलिए इन्होंने अपनी शादी पर भी वही जो अपना खानदानी सेट है वही सेट पहना है। जबकि कुछ फैंस ने इनको ट्रोल भी किया है कि वही सेट पहनने की क्या जरूरत है, जब लाख अरबों करोड़ों इनके पास हैं, तो फिर ये एक सेट नहीं चेंज कर सकते। तो राधिका की ये लुक भी रॉयल लुक है, बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है। आप भी कॉमेंट करिएगा कि आप आज की आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी है, और जो तबसरा इस वीडियो पर किया गया है उसमें क्या क्या गलतियां कुताहियां हैं, आपको वो तबसरा पसंद आया है या नहीं, आपकी क्या राय है जरूर कॉमेंट में बताइए। अब जी नीता अंबानी की छोटी बेटी ईशा अंबानी जो है वो आ चुकी है, उसकी वीडियो साड़ी पहनकर वो पहले आई थी, और बाद में उसने ये इतनी हैवी साड़ी जो है वो उतार दी थी, और बहुत प्यारा सा उसने लहंगा पहन लिया था जिसमें वो इजीली घूम फिर सके, वो डांस कर सके, या फिर इधर उधर जो है मेहमानों से मिल सके। तो दोबारा से जो वीडियो है वो ये शेयर की जा रही है कि इसने जो राधिका मर्चेंट है इसने